अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। स्टोरीज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अगर रियल स्टोरीज़ और इंसिडेंट हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पहली स्टोरी जो है उम्मे हबीबा ने सेंड की है। उम्मे हबीबा कहती हैं कि जहाँ कहीं भी असरात हों या जन्नात हों तो मुझे पता चल जाता है। समटाइम्स इन्हें ज़ाहरी तौर पर भी मैं देख चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ अपने बचपन से लेकर अब तक के सारे वाकयात जो मेरे साथ हुए हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ होने वाला सबसे पहला वाकया तब हुआ जब मैं तकरीबन 9 ईयर्स ओल्ड थी। रात का कोई वक्त था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस वक्त काफ़ी रात फील हो रही थी। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा कि अम्मी किचन में काम कर रही है। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप इतनी रात को क्या बना रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं खाना बना रही हूँ। दिन में तो तुम लोग मुझे बनाने ही नहीं देते। मैं इस वक्त नींद में थी तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और मैं जा के सो गई। सुबह उठने पर मुझे रात का वाकया याद आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अम्मी को पिछली रात वॉशरूम में गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी और बाबा इनको हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे और अम्मी सारी रात घर में मौजूद ही नहीं थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे बहन भाई और खाला मौजूद थे। मैंने इस बात का जिक्र कभी भी किसी से नहीं किया। अब इस बात को काफ़ी टाइम गुजर चुका है और मेरे साथ इस किस्म के वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया। मैं ये बात आपको बताती चलूँ कि हम रेंट के घर पर रहते थे और इस घर में मेरे साथ यही एक वाकया हुआ। इस बात को साल गुजर गए और मेरे साथ फिर कोई मामला पेश नहीं आया। हमने इस वाक्य के बाद दो और घर चेंज किए। अब जिस घर में हम रहते थे इसमें दो कमरे और साथ साथ ही वो मौजूद थे, एक टीवी लाउंज और काफ़ी बड़ा सहन मौजूद था। इस घर में जिन्नात की मौजूदगी का मुझे एहसास होता था। एक रात में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक काला साया मेरे सामने बैठा है। पहले मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ तो इसलिए मुझे दिख रहा है। मैंने अपनी आँखें मस ली और फिर देखा, तब भी वो वहीं पर मौजूद था। इसको देखकर मैं काफ़ी डर गई। इतनी भी मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं अपने बराबर में सोई अपनी बहन को ही जगा देती। डर की वजह से मैंने अपनी चादर मुंह तक ओढ़ ली और मुझे नहीं पता चला कि मैं कब नींद में आ गई। शुरू शुरू में इन सब का जिक्र मैं अपने घर वालों से नहीं करती थी, लेकिन मैं इस घर में अकेली नहीं थी जिसके साथ ये सब कुछ होता, बल्कि मेरी बड़ी बहन को भी एक रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, इसको सहन से लाउंज में दाखिल हुई और एक औरत दिखाई दी जिसने फुल वाइट कपड़े पहने हुए थे। उसको देखकर बहन ने फौरन अम्मी को कहा कि अम्मी ने बहन को डांट दिया कि कुछ नहीं है, वहाँ जाकर सो जाओ। इस घर में हम सबको अक्सर काले साए दिखाई देते थे। हम सब रात को सहन में बैठा करते थे तो अक्सर हमें अपने लाउंज से निकलकर छत पर जाते हुए काले साए दिखाई देते, और जब ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो अम्मी बाबा ने मेरे मामों को बुलाया। मामू को जिन्नात का मालूम हो जाता था और वो इसलिए दम वगैरह कर देते थे, तो अम्मी बाबा ने मामू को बुलाया। उन्होंने हमारे घर का जायज़ा लिया और इस बात को उन्होंने वाज़े महसूस किया कि इस घर में जिन्नात मौजूद हैं। बहरहाल मामू ने हम सब घर वालों को दम किया, लेकिन इसके बाद और भी ज़्यादा नमाज और कुरान वगैरह पढ़ने लगे। इसके बाद से बाकायदा हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन फिर काले साए दिखाई देना शुरू कर दिए। अभी भी इन चीज़ों ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने इस घर में 2 साल गुजारे, फिर वहां से हमें शिफ्ट करना पड़ा। जिस घर में हम गए वहां कुछ मसाइल की वजह से कुछ अरसा वो भी घर छोड़ दिया। अब जिस घर में हम शिफ्ट हुए इसमें 2 फ्लोर थे, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। उस बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट्स थे, एक सेकेंड फ्लोर पर एक अपार्टमेंट और इसके आगे बड़ा सहन मौजूद था और लास्ट अपार्टमेंट पर भी एक कमरा मौजूद था। जब हम शिफ्ट हुए तो शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और कोई मामला पेश नहीं आया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता कि घर में से चीज़ें अचानक गायब होने लगी और इस तरह से कि एक चीज़ रखकर दूसरी जगह तवज्जो होती तो इतने में वो चीज़ गायब हो चुकी होती। बाज़ औक़ात चीज़ें मिल भी जाती, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि चीज़ें नहीं मिलती थी। घर में अक्सर बच्चे भागते दिखाई दिखते। इस घर में हमारा ड्राइंग रूम ऐसी जगह था कि ड्राइंग रूम में बैठा बंदा बाकी घर से बेखबर हो जाता। कहने का मतलब यह है कि घर के एक अलग कोने में था। हम सब इबादत करते रहते, फिर यहाँ पर भी हमें इन चीज़ों ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।
लेकिन इस घर के सेकंड फ्लोर पर भी कोई किराएदार आके ज़्यादा अरसा नहीं टिकता था। ज़्यादातर सेकंड फ्लोर खाली ही रहता था। हमारे घर में सेकंड फ्लोर पर 2-3 बार किराएदार जा चुके थे और वो खाली हो चुका था। अभी हमें 2 साल हुए थे कि ऊपर के पोर्शन में मेरी चाची की अम्मी, जो इनको हम नानी कहते थे, वो आकर रहने आ गई। इनके साथ सिर्फ इनके एक बेटे, जिनको हम मामू कहते, इस घर में रहते थे। वो सुबह अपने काम पर चले जाते तो सारा दिन नानी हमारी अकेली होती। नीचे हमारे रहने की वजह से इनको बहुत आसानी हो गई थी। इनको ये घर और आसपास का माहौल बहुत पसंद आया। उन्होंने यहाँ आके ये इरादा कर लिया कि वो अब ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सब कुछ सही चलता रहा। फिर अचानक एक दिन नानी को फालिज का अटैक हो गया। इनको हॉस्पिटल लेकर गए और कुछ दिनों में ही इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद मामू ने वो घर छोड़ दिया और अब ऊपर का फ्लोर फिर से खाली हो गया। हम अभी भी यहीं रह रहे थे और हमारे साथ होने वाले वाकयात मुसलसल जारी थे। ज़्यादातर ये मुझे ही दिखाई देते। मैं उस वक्त 8th स्टैंडर्ड में थी और हमें समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह बाबा अपने काम पर चले जाते, बड़ी बहन मदरसे जाती और छोटी बहन को अम्मी दूसरे मदरसे लेकर जाती और इसको छुट्टी होने तक की वहीं रहती। मतलब कि सुबह 8 से 1 बजे तक मैं घर में बिल्कुल अकेली होती। एक दिन जब सब घर वाले चले गए और घर में सिर्फ मैं अकेली मौजूद थी, तो मैं किचन में काम कर रही थी कि मैंने अचानक अपने बराबर में गुजरते हुए भाई को रूम में जाते देखा। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अब ये तकरीबन रोज़ होने लगा कि घर से जब सब चले जाते और कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे कोई भाई और कभी बहन अम्मी वगैरह दिखाई देते। मैं 1 महीने बहुत डरती रही। सबके जाने के बाद कमरे के एक कोने में मैं सिमट कर बैठ जाती और जब तक घर वालों में से कोई एक ना आ जाता, मैं अपनी जगह से हिलती तक ना थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने डर को कंट्रोल करना सीखा और कुछ अरसे बाद इसमें कामयाब भी हो गई। अब मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करने लगी थी। अब मेरे सामने कुछ भी होता, मैं बग़ैर खौफ के इसे फेस करती। कुछ अरसे के बाद सेकेंड फ्लोर फिर किराए पर चढ़ गया। इस फैमिली में टोटल 4 अफराद थे, एक भाई, एक बहन और इनके पेरेंट्स। उनको इधर रहते काफ़ी टाइम हो चुका था और कोई मामला भी पेश नहीं आया। फिर एक सर्दियों की सुबह थी, अचानक से ऊपर वाली आंटी रोती हुई हमारे घर आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। वो बहुत घबराई हुई थी। वो फौरन अम्मी बाबा को ऊपर लेकर गई। थोड़ी देर तक बाद हमें पता नहीं चला कि मामला क्या है। हमारी अम्मी नीचे आई तो उन्होंने बताया कि अंकल ने खुदकुशी कर ली है। उस दिन घर में अजीब माहौल था। इनके सुसाइड करने का कोई मुनासिब वजह मालूम ना हो सके, क्योंकि ख़ुदकुशी का केस था तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए घर आ गई। इस वाक़े का असर काफ़ी दिन तक हम सब पर रहा। अंकल की डेथ के बाद बाकी अफराद ने यह घर छोड़ दिया। अब फिर से ऊपर वाला हिस्सा खाली था। हमने इस घर में तकरीबन 6 साल गुजारे। कुछ वजूहात की वजह से हमें ये घर छोड़ना पड़ा। शिफ्टने से तकरीबन 10 दिन पहले की बात है कि मैं ड्राइंग रूम, जो कि पहले बता चुकी हूँ कि घर के एक कोने में था, वहाँ मैं बैठी हुई कुछ काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे, कि मुझे लगा कि ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक छोटा बच्चा बैठा है। मैं अब इस सब को इतना ध्यान नहीं देती थी और ना ही मैं डरती थी, इसलिए मैंने इग्नोर किया और अपने काम में दोबारा से बिजी हो गई। फिर मुझे महसूस होने लगा कि वो बच्चा घुटने घुटने चलकर मेरी तरफ आ रहा है। फौरन मैंने इस तरफ देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं फिर अपने काम में बिजी हो गई और फिर से मुझे लगा कि वो बच्चा मेरी तरफ बढ़ रहा है और इस बार वो मेरे काफ़ी करीब आ चुका था। मैंने जल्दी से इसकी तरफ देखा तो वहाँ कोई भी ना था। मैं फौरन ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। मैंने इस बात का जिक्र अपनी छोटी बहन से भी किया। वो सब मुझे दिख रहा था, जैसे आपको एक जगह फोकस करते होते हैं मगर आसपास के लोग आपको चलते हुए दिखाई नहीं देते। अम्मी बाबा को शुरू में 1-2 बार बताया, लेकिन वो यही बोलते कि दुआएं पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी करो, और वो सब दिखाई देना मेरे लिए आम हो गया था। मैं अब किसी को कुछ नहीं बताती सिवाय अपनी छोटी बहन के। शिफ्टिंग से 3 दिन पहले की बात है, मैं, अम्मी और मेरी दोनों बहनें, हम एक रूम में आराम कर रहे थे। अम्मी और बड़ी बहन बेड पर और मैं दूसरी बहन के साथ ज़मीन पर थी। मैं ऐसी साइड पर लेटी थी कि मेरे पैरों से दरवाज़ा टच होता था। रात को सोते से मेरी आँख खुली, मुझे मेरे पैरों की तरफ एक शख्स खड़ा दिखाई दिया जिसने ब्लैक गाउन टाइप का कुछ पहना हुआ था और धीरे धीरे मेरे मुंह की तरफ बढ़ा और इसने अजीब जुबान में कुछ कहा जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने चीखना चाह रही थी लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मुझे जो भी आयत याद थी वो मैं पढ़ना शुरू कर दिया।
वो मुझे मुसलसल कुछ कह जा रहा था और इसके मेरे दरमियान कुछ इंच का ही फासला होगा। अचानक मुझे एक बच्चे की खौफनाक चीज़ की आवाज़ सुनाई दी और मुझे सब साफ सुनाई और दिखाई देने लगा। अब वो शख्स भी वहाँ मौजूद नहीं था। रूम की लाइट ऑन थी और मेरी बड़ी बहन, अम्मी और छोटी बहन मुझे देख रहे थे। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। रात को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह मेरी छोटी बहन ने बताया कि रात को अचानक मैं ज़ोर से पाँव मारकर दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। मेरे चीखने से अम्मी और बहनों की आँख खुल गई और मेरी बड़ी बहन ने उठकर लाइट्स ऑन की। ये सब मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा था वो मैं पहले बता चुकी हूँ। मैं अपने साथ हुए वाक़यात को, इस वाक़यात को कभी भी भूल नहीं सकती। खैर, दो दिन बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और अभी भी मुझे अक्सर जिन्नात की का मौजूदगी का एहसास होता है और वो मुझे दिखाई भी देते हैं। ये सब सिर्फ मुझे अपने घर में ही नहीं बल्कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी जानने वालों के घर में भी हूँ तो मुझे घरों में जिन्नात की मौजूदगी का इल्म हो जाता है और बाद में किसी भी ज़राए से ये बात मैं क्लियर कर जाती हूँ। स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेजेस में तो ये चीज़ें आम होती हैं, मगर मैं वहाँ का जिक्र नहीं करना चाहती। हर वक्त इस हाल में मैं ऐसे वाक़यात का सामना करती रहती हूँ क्योंकि अब मैं इस सब की आदी हो गई हूँ और मुझे ये सब अजीब नहीं लगता, ना ही मुझे खौफ आता है। आज की दूसरी कहानी उस्मान ने मुझे रावलपिंडी से भेजी है। ये एक सच्चा वाक्य है। आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है कि जब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने के बाद छुट्टियाँ हुई थी और उन दिनों मैं अपने मामूजाद के गाँव गया हुआ था। वहाँ मैं पहले भी अक्सर जाया करता था। मेरे कज़न के गांव में जब मैं वहाँ जाया करता तो वहाँ मैं बहुत खुश होता था क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स होते थे, सबके साथ बातें करना, घूमना वगैरह में जाता। फिर एक दिन मैं अपने मामों के घर से कज़न के घर चला गया। मेरे कज़न का घर काफ़ी बड़ा था और इनके घर के दरमियान में एक कुआँ था जिसको उन्होंने अच्छी तरह से ढाँप के रखा हुआ था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा था। मैं अपने कज़न के घर पहुंचा। सब ने मेरी बहुत आवभगत की। मेरी खैर, शाम को 4 बजे के वक्त होगा कि मेरे कज़न और इसके साथ मेरे खालाजाद का बेटा था और दूसरे के एक मोहल्ले में वहाँ मेरी एक कज़न और थी और इनके भाई वगैरह का काम कर रहे थे। खैर, वो तकरीबन 4 बजे का वक्त था। मैं और मेरे कज़न जो साथ गाँव में मेरे खाला का घर था वहाँ गए और भी हम वहाँ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि शाम हो चुकी थी। वहाँ उनके सब लोग ज़मीनों पर थे और घर पर कोई भी ना था जो वहाँ जाता और उन्हें खाना वगैरह देता। वो मेरे आने से कुछ देर के पहले बाद निकल गए तो मैं इनके घर में रात गुजारना चाहिए जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। कुछ देर के बाद जब मेरी कज़न और खालू का बेटा दोनों वापस पहुँचे तो मुझे अपने घर देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन फिर मेरी कज़न की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। हम सब इसे डॉक्टर को दिखाने ले कर गए। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी और बोला कि इसे आराम की ज़रूरत है, लेकिन एक दो दिन बाद मेरे कज़न की तबीयत बहुत अजीब सी हो जाने लगी। वो बहुत से अजीब अंदाज में बातें करने लग गई। कुछ दिन और गुजरे तो वो और भी अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू हो गई। अब तो सब घर वाले परेशान थे कि इसे क्या हो गया है। डॉक्टर्स को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हम सब ने एक बाबा जी के पास उसको लेकर गए जहाँ से ये पता चला कि इस पर जिन का साया है और जो इसके साथ ये सब कुछ करवा रहा है। हम सब की तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। बाबा जी ने कुछ तावीज़ दिया और उन्हें इस्तेमाल करने के बारे में बताया और 2-3 दिन तक वो तकरीबन नॉर्मल हो गई थी। फिर एक दिन इस पर और हम सब पर बहुत बुरा वक्त आया क्योंकि वो रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त होगा जब वो सारे घर वालों को खाना दे रही थी। उसने अपने बड़े भाई को खाना दिया और पानी देना भूल गई। फिर वो पानी का गिलास में डाल कर ला रही थी कि मेरे कज़न ने इसे बहुत गु़स्से से कहा कि तूने पानी क्यों नहीं दिया। इतना सुनना था कि उसने गुस्से में आकर गिलास उसकी तरफ फेंका और घर के मेन डोर की तरफ चली गई। सब इसके पीछे भागे तो वो मेन दरवाजे से बाहर निकल गई। जब सारे लोग दरवाजे से बाहर निकले तो वहाँ कोई भी ना दिखाई दिया। अब तो सब घर वालों पर जैसे क्यामत टूट पड़ी कि अब ये रात को कहाँ निकल गई, इतने गुस्से में थी। खैर, गाँव में ऐलान करवा दिया गया। सब घरों में से कोई 2-2 मर्द और ज़्यादा सारे लोग बाहर निकले और इसकी तलाश में चले गए। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरी कज़न का जो घर है इसके मेन डोर से निकलो तो बाएं तरफ सारा गांव है और दाएं की तरफ खाली ज़मीनें पड़ी हैं। सब लोग वहाँ पहले गांव की तरफ उसे ढूंढने निकल पड़े और जब बाहर एक छोटा सा कब्रिस्तान है वो वहाँ लोग गए कि शायद वो वहाँ तो नहीं गई, लेकिन वो वहाँ पर भी ना थी। वहाँ से वापस वो सारा गाँव छान मारा लेकिन वो ना मिली।
फिर वो गांव की दूसरी तरफ निकल पड़े। सब खाली ज़मीनों पर इसे ढूंढ रहे थे कि मेरे मामू का बेटा भी शामिल था। वो एक नाले में घुस गया। वो अकेला ही था, उसके पीछे बाकी गांव के सारे अफराद थे। इस नाले में दिन को बंदा जाने से खौफ खाता था और वो तो थी रात। हिम्मत करके नाले में वो घुस तो गया, लाइट लगाता और उसे ढूंढ रहा था कि सामने से कोई लड़की दिखाई दी। वो समझा कि कहीं वो ये तो नहीं मेरी कज़न। वो उसने ज़ोर से उसको आवाज़ें दी कि इधर आ जाओ, वो सब मिल गई है। तो मेरे मामू के बेटे ने इसको करीब जाकर उसे आवाज़ दी, उसके नाम से पुकारा। उसे एक बार नहीं कई बार उसने सुना, दूसरी बार उसने सुना ही नहीं, और तीसरी बार जब उसने इसको उसके नाम से बड़े गुस्से से पुकारा तो इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मामू के बेटे ने बताया कि मैंने जो मंजर देखा उससे मेरी जान निकलते निकलते रह गई। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा, लंबे बाल और सुरख आंखें, जैसे उसमें से आग निकल रही हो, और मुंह से खून निकल रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी बेदर्दी से किसी ने उसको काटा हो। लाइट की रोशनी में मेरे मामू के बेटे ने जब ये सब कुछ देखा तो वो वहीं पर साकित होकर रह गया। तब सब गाँव वाले वहाँ पहुँच चुके थे। मेरी कज़न और मामू का बेटा दोनों गिर कर बेहोश हो गए थे। सब ने मिलकर उन्हें घर पहुँचाया। काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद दोनों को होश तो आ गया, लेकिन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब थी। खैर, डॉक्टर से मायूस होने के बाद उन्हें एक बार फिर से बाबा जी के पास जाना पड़ा। जब बाबा उनके पास लेकर गए तो दोनों को तो बाबा जी ने उन्हें देखा और सारा मामला समझ में आ गया। बाबा जी ने कुछ तावीज़ लिख कर दिए और बोले कि जो मेरा कज़न था, इसने जिन अपने कब्ज़े में कर रखा है और वो इसको एक गधे की शक्ल में लगा, जो बहुत बुरा हुआ। और वो सबको मैं बात बता दूं कि इससे प्यार से बात करनी है, और जो इस रात हुआ उससे कुछ ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद हम सब दोनों को घर लेकर आ गए। वो दोनों काफ़ी दिन बीमार रहे और फिर नॉर्मल होने लग गए। सब घर वाले अब भी मेरी कज़न का बहुत ख्याल रखते हैं, उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, जिससे सब अब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन कभी कभी वो गुस्से में आ जाती है और तब घर वालों का बहुत मसला बन जाता है। इसलिए इसका ख्याल सब घर वाले ही रखते हैं कि ऐसा वैसा कोई वाकया ना हो जाए। ये सब उस जिन्नात की वजह से हुआ था। कहते हैं कि जब आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए तो इसकी रूह कुछ रोज़ तक घर में रहती है। हमारा ददिहाली ख़ानदान एक ही घर में रिहाइश पजीर था। अबू और चचा एक दो तीन मंजिला घर में रिहाइश करते थे। तीसरे और चौथे चचा ने शादी के फौरन बाद से साथ ही घर तामीर करवा लिया, जो घर पहले एक बाग की सूरत में इस्तेमाल होता था। चचा फूफी की शादियों के लिए शादी हॉल की भी ज़रूरत ना थी, वहाँ पंडाल सजा लिया जाता। दादा के इंतकाल के वक्त अभी सिर्फ छोटे चचा का घर एक कोने में था, दरमियान की जगह अभी खाली थी। वहाँ कयारियाँ बनाकर फूल बूटे लगा दिए गए। दादी अम्मा कभी हमारी तरफ और कभी बड़े चचा तो कभी छोटे चचा के घर रहा करती थी। इंतकाल से कुछ दिन कबल वो हमारे घर में ही थी। बीमारी से दो दिन पहले वो निचली मंजिल पर चली गई। अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई। उनकी ताज़ियती दौर ख़त्म हुआ तो रोज़ाना हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत नज़र आने लगी और हमें आहटें फील होती। हमारी दादी जान लकड़ी की छड़ी पकड़ कर चला करती थी। हमें अक्सर इनकी लकड़ी की टक टक महसूस होती। जिस पलंग पर वो सोया करती थी, करवट बदलती या उठते बैठते, उस वक्त हमें हल्की सी आवाज़ आया करती। इस पलंग पर अब कोई भी नहीं सोता था, लेकिन रात को किसी पहर पलंग की आवाज़ फील होती। एक दिन भाई इस वहम में उठकर कमरे में चला गया कि वहाँ कोई सो रहा है, लेकिन कमरे में कोई भी ना था। और फिर बिजली बंद थी, एनर्जी सेवर चल रहा था। मैंने भाभी के साथ इनके बिस्तर पर लेटी हुई थी। इनके कमरे से टीवी लाउंज के कमरे में अटैच सीढ़ियों का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। इस वक्त दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। हमें कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारी दादी इस दरवाज़े के सामने अपनी स्टिक पकड़े खड़ी हैं। हम दोनों ही डर गए और अपनी आंखें बंद करके कंबल के अंदर घुस गए। मेरी सास के इंतकाल के बाद हमें कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि इनके इंतकाल के अगले रोज़ ही फजर की नमाज को टेरिस पर पढ़ के खड़ी थी। वहाँ से सड़क का कुछ हिस्सा नज़र आता। अभी आसमान पर स्याही छाई हुई थी। मैं आसमान की तरफ देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र सामने सड़क पर जाकर ठहरी। मुझे हू बहू अपनी सास वहाँ खड़ी नज़र आई। इसी तरह हम घर के अंदर आते जाते उन्हें महसूस करते। वो इस सोफे पर बैठी हैं जहाँ वो अपनी ज़िंदगी में बैठकर तलावत किया करती थी। हमने ये सब गैर मरई तौर पर महसूस किया। इन वाक़ियात के मनाजर का इल्म क्या हो सकता है, ये हम नहीं जानते। समना ने ये स्टोरी सरगोदा से सेंड की है। वो बताती हैं कि ये वाक़िया मेरे बचपन का है, जब मैं 5 या 6 साल की थी।
तो हम हयातआबाद में रहते थे। ये इलाका नया नया आबाद हो रहा था और इस घर को तामीर हो रहे थे। हमारे घर के साथ एक घर बन रहा था। हमारी छत इस घर से मिलती थी। हमारी छत की चार दीवारी नहीं थी और छत पर ईंटें पड़ी रहती। चार दीवारी के लिए अभी दीवारें नहीं बनी थी। मैं सारा दिन छत पर ईंटों के साथ खेलती और साथ वाले घर की सैर भी करती। और जब इस घर पर लेंटर डल रहा था तो मैं अक्सर इस घर की छत पर चली जाती। सर्दियों के वो आखिरी दिन थे और हमारे घर वाले सर्दी गर्मी दोपहर में सोते थे, मगर मैं नहीं सोती थी। तो एक दिन दोपहर में मैं खेल रही थी कि साथ वाले घर में मेरी हम उम्र की लड़की आ गई और वो मुझे देखने लगी। मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी तो इससे जल्दी मैं घुल मिल भी गई। उसने कहा कि इस घर के मालिक हूँ और सबसे छोटी बेटी हूँ और अपने अब्बू के साथ आई हूँ। खैर, तकरीबन 15-20 दिन तक लंटर रहा और वो रोज़ आती दोपहर में। हम खेलते और फिर वो चली जाती। जब लंटर खुल गया और मजदूर काम करने लग गए तो वो आना बंद हो गई। वो मेरे साथ पश्तो बोलती थी। फिर मुझे वो बहुत याद आती। मैंने घर वालों को भी बताया था कि इनकी बेटी मेरे साथ खेलती है। इसी तरह दिन गुजरते गए और घर तैयार हो गया। जिस दिन वो लोग सामान लाए, मेरी अम्मी ने इनका खाना बनाया और मुझे कहा कि चलो साथ अपनी दोस्त से तुम मिल लेना। जब हम इनके घर गए तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से मिले। अम्मी ने पश्तो में बात की तो उन्होंने कहा कि उनको पश्तो नहीं आती, हम लोग हिंदू बोलते हैं। फिर बातों बातों में अम्मी ने इनकी छोटी बेटी और मेरे खेलने का बताया तो वो बहुत हैरान हुई और अपनी बेटी को बुलाया। तो एक तो वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी और दूसरी इनके 20-25 दिनों में इनके घर से कोई आता ही नहीं था और पानी की तराई वगैरह का काम भी मजदूर ही करता था। अम्मी भी बहुत हैरान थी कि इलाका थोड़ा असेबी सा था, काफ़ी लोगों के साथ ऐसे वाकयात हो चुके थे। तो अम्मी समझ गईं कि मुझ पर अकेले ऊपर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर कुछ अरसे के बाद वो लोग इस घर से चले गए कि ये घर भारी है और हमारे बच्चे यहाँ डरते हैं, इस घर से अक्सर बातों की आवाज़ें आती। अब मुझे नहीं पता कि वाकई वो कोई जिन था या कुछ और था।